हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लेंडर। दिस इज दर्शना। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा फेशियल जो कि आप घर पे ही बनाएंगे, DIY फेशियल। ये एक फेस्टिवल फेशियल है। आप इसको प्री होली फेशियल की तरह यूज कर सकते हैं या तो इसको आप पोस्ट होली फेशियल की तरह अपने फेस के क्लेंजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फेशियल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में सारी चीजें आपको अपने घर पे ही मिल जाएंगी। सो बनाना शुरू करते हैं फेशियल और उसके लिए चलते हैं किचन में। लेकिन किचन में चलने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ब्यूटी ब्लेंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको जरूर हिट कीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियो का कोई भी अपडेट मिस करें और मेरे चैनल पर बने रहिए। सो चलते हैं फटाफट से किचन। गाइस, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्लेंजर। क्लेंजर के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच बेसन और 5 से 7 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। स्लरी हमें इतनी मतलब थिन बनानी है, इतनी पतली बनानी है कि आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम पतली सी आपको बनानी है ताकि वो आपके फेस को अच्छे से क्लेंज कर पाए और बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप कच्चा दूध ही यूज़ करें। उसमें होती है स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके फेस को एकदम से क्लीन करेगा और आपके नेचुरल ग्लो को बाहर लेकर आएगा। सो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर करने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच शुगर यानी कि चीनी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच हनी। मैं यहाँ पे पतंजलि हनी यूज़ कर रही हूँ और मैं ले रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस यानी कि लेमन जूस। तीनों को ही हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये जो स्क्रब है ये बिल्कुल ही अलग तरीके का स्क्रब है। इसमें शुगर और लेमन बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। आप सोचेंगे इससे स्क्रब कैसे करेंगे, बट आप इसको जब फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये इजीली आपके ब्लैकहेड्स को रिमूव करेगा और आपके फेस को एक न्यू लुक देगा। सो अब चलते हैं क्रीम की तरफ। मसाज क्रीम जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और 1 चम्मच आपको चाहिए हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच आपको चाहिए यहाँ पे दही। दही आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है। पहले आप ऐसा दानेदार मिक्सचर बना लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कितना दही चाहिएगा। और फिर एक थिक हमें पेस्ट बनाना है ताकि हम मसाज अच्छे से कर सकें, बिकॉज अगर थोड़ा सा पतला हो जाएगा पेस्ट तो मसाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ जो कि है हमारा पैक। पैक बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1/2 चम्मच शुगर जो कि होनी चाहिए आइसिंग शुगर मतलब पिसी हुई चीनी, और 1/2 चम्मच हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे पतंजलि एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी जेल यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, हमारे फेशियल के लिए मैंने चारों ही चीजें तैयार कर ली है और अब फटाफट से शुरू करते हैं हमारा DIY फेशियल। फेशियल के लिए मुझे सबसे पहले थोड़ा सा अपने कपड़ों और बालों के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मैं फटाफट से आती हूँ। यूं गई और यूं आई, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, मेरी यहाँ पे फेशियल की तैयारी हो चुकी है। मैंने अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है और टॉवल से अपने कपड़े कवर कर लिए ताकि ख़राब ना हो। और आपको चाहिए पानी का बोल जो कि थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ हो ताकि आप अच्छे से क्लीन कर सके, और या तो कोई हैंकरचिफ या तो इस तरीके का स्पंज आपके पास हो तो भी चलेगा। सो आप देख सकते हैं मेरा स्किन अभी बिल्कुल बेयर स्किन है, मैंने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फेशियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लेंजर ले लिया है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया हुआ है मैंने पानी के साथ। और अब मैं यहाँ पे क्लेंजिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके अपने फेस पे लगाएंगे। जैसे जैसे स्किन अब्जॉर्व करने लगेगी वैसे वैसे आपको और अमाउंट की नीड ज़रूर पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ अपने नोज़ और अपने आईलिड एरिया जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स या तो ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ पर क्लेंजिंग कर रही हूँ। एंड मेक श्योर कि आप अपने नेक को ना भूलें, बिकॉज़ आपका नेक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका फेस इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज ले लिया है गीला करके और इसी से मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूसरा स्टेप जो कि है हमारा स्क्रब जो हमने शुगर और लेमन से बनाया था।
और स्क्रब मैं यहाँ पर अपने हाथों में ले लिया, अपने पाम्स में मिक्स करके फिर मैं धीरे धीरे अपनी स्किन में रब करना उसको स्टार्ट करूँगी। ये जो स्क्रब है थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज इसमें शुगर हमने पूरा दानेदार डाला है। मेरी स्किन में इतने ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं है, अगर आपकी स्किन में ज़्यादा ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम है तो आप शुगर को थोड़ा सा दरदरा करके हल्का सा मिक्सी में चला के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे स्किन में इतने ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं है इसीलिए मैंने इसको यूँ ही यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं मैं कैसे अपर डायरेक्शन में अपने फेस में मसाज कर रही हूँ। एंड स्क्रब हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अपने स्किन को फिर से मैंने क्लीन कर लिया है स्पॉन्ज के साथ। और अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ जो कि हमारा मसाज क्रीम। मसाज क्रीम इतना थिक होना चाहिए कि आपको अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो वो नीचे स्लरी की तरह गिरे नहीं। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे मैंने लगाया है तो वो नीचे टपक बिल्कुल नहीं रहा है, इतना थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और जो थर्ड स्टेप होता है जो हमारा मसाज होता है वो फेशियल का ऐसा स्टेप होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मसाज देने की नीड होती है बिकॉज हमारे फेस में जो ग्लो आता है जो भी चमक दिखती है वो सब इसी स्टेप पे डिपेंड करता है कि हम इसकी मसाज कैसी करते हैं। सो आप स्टेप्स देख लीजिए, मैं अपनी आईलेड्स अपने लिप के अराउंड एरिया सभी को अच्छे से मसाज कर रही हूँ विद 4 फिंगर 3, 2 एंड 1 एंड अगेन 1, 2, 3 एंड 4। मैं यहाँ पे सीजर स्ट्रोक भी दे रही हूँ अपने फेस पे और फोरहेड अपवर्ड भी कर रही हूँ। तो आप सारे स्टेप्स अच्छे से देख लीजिए और फिर इसी को फॉलो कीजिए अपने फेशियल मसाज के लिए। सो देखते ही देखते मेरा थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी क्लीन। और फिर हम चलते हैं चौथे स्टेप यानी कि हमारे पैक की तरफ। पैक जो है काफ़ी चिपचिपा है इस वजह से उसे ब्रश से लगाना मुश्किल था। सो मैं इसको हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे और बहुत ही पतली सी लेयर जो है हम अपने फेस पे लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए वेट करेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और जैसे ये ड्राई हो जाएगा हम अपने हाथों को गीला करके एंड देन अगेन उसको मसाज करेंगे अपने फेस पे। हल्का हल्का जब हमें लगेगा कि पैक निकलना शुरू हो गया है तब हम उसको स्पॉन्ज से करके निकाल देंगे। सो एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे पूरा फेस क्लीन कर लिया है अपना और अब ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस पे। अभी तक बिल्कुल बेयर फेस है, कुछ भी नहीं लगाया है और जस्ट आप ग्लो देखिए कितना प्यारा ग्लो आया है फेस पे, नेक पे, बिल्कुल सब इक्वल सा लग रहा है। सो मैं अच्छे से पानी से फेस वॉश कर लिया है विद ओनली सिंपल वाटर एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस। सो गाइज मेरा फेशियल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आप ग्लो देख सकते हो मेरा फोरहेड, मेरा नोज़, मेरे चीक्स कितना ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं किया है और मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है और एकदम स्किन बिल्कुल फ्लफ़ी बाउंसी जैसी होती है ना, एकदम टेडी वेयर जैसी, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है और इतना मतलब इफेक्टिव होगा मैंने खुद ने भी सोचा नहीं था। मैंने जस्ट अभी इसको प्रिपेयर किया था ये सारे स्टेप्स को और मैंने पहली बार इसको अप्लाई किया है। सो आई एम जस्ट लविंग इट। मैं इसको मंथली करने ही वाली हूँ चाहे कोई फेस्टिवल हो या ना हो। सो आई होप आपको मेरा ये क्विक एंड ईजी DIY फेशियल रेमेडी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाए और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके फेवरेट टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूं। सो अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।